देखिए आज के वीडियो में यही आपको बताएंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरविक एसिड बनता है वो पायरविक एसिड थ्री वे में इंटर करता है। जो पायरविक एसिड था वो थ्री वे में, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक आप पढ़ेंगे जब ऑक्सीजन देंगे तब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में इंटर करेगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले पायरविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्टील कोंजाइम में कन्वर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसीलिए उसका नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक होता है, जब भी हम देखते हैं बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में बताते हैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बहुत कठिन टॉपिक है, बट बहुत इजी है, थोड़ा समझने की बात है, उसको समझ के पढ़ें तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। जो भी पढ़िए, देखिए ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है ऑनलाइन वीडियो खोल लीजिए, ओपन करिए, तुरंत उसको कॉपी नोट ले करके तुरंत पेपर पे लिखा करिए उस पॉइंट को, उन पॉइंटों को नोट करते जाइए, जैसे हम साथ बोलते रहें आप भी लिखते जाइए, तो एक अच्छा खासा आपका नोट भी हो जाता है और ये पॉइंटों को आप अच्छा से क्लियर कर सकते हैं। तो अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसमें पायरविक एसिड से एस्टिल कोंजाइम का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है उसको पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अब पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम की वजह से एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे ये पायरविक एसिड CH3COCOOH, इसको पायरविक एसिड कहते हैं, प्लस HSCOA और प्लस NAD, यहाँ पे प्लस NAD। अब इसके द्वारा क्या बना, तो आप देखो इसका लो HVH एक साथ कर दिए, यहाँ से CO2 को रिमूव कर दीजिए, तो ये दोनों CH3CO और SCOA, मतलब CH3COSCOA, अब इसी को बोलते हैं एसिटिल कोंजाइम बन गया और ये CO2 ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ये CO2 निकल गया और प्लस NADH, ये है NAD प्लस NADH प्लस HIN में बदल गया, तो यहां बन गया NADH प्लस HIN बना। तो इसको हम लोग कहते हैं ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड से ये एसिटिल ये कोंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। अब चूंकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और इस एस्टिल कोंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, तो इसको कौन एंजाइम कैटलाइज किया, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। यहां पर एंजाइम कौन होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना, तो देखिए एक तो यही हुआ कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन, तो आंसर होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक पॉइंट याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। एंजाइम अगर पूछे कौन एंजाइम इसको कैटलाइज किया, तो उस एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा ये कैटलाइज हुआ। और अगर पूछा जाए इसका रिजल्ट क्या मिला, ऑक्सीडेटिव रिकार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट क्या है, तो यही है कि टू कार्बन कंपाउंड
एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ये बना। और एक क्वेश्चन यहां पर आता है, हाउ मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, कितने फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बताओगे 5 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। जैसे एक होता है लिपोइक एसिड, TPP, थियामिन, पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, NAD+ और FAD, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ याद करिए 5 फैक्टर्स रिक्वायर्ड। तो इसमें 5 फैक्टर जो रिक्वायर्ड हैं उनका नाम क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट फैक्टर को आप लोग लिख लेना। एक होता है लिपोइक एसिड, ये फर्स्ट है। सेकंड जैसे टीपीपी, पूरा नाम थियामिन TPP है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, तो थियामिन पायरोफॉस्फेट ये नाम दिया गया। ये एक प्रकार का थियामिन को विटामिन B1 कहते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, इसके बाद NAD+ की जरूरत पड़ती है, NAD, इसके बाद FAD की जरूरत पड़ती है। तो ये सब इसमें ये कोएंजाइम है, फैक्टर्स हैं। तो देखिए अब NAD ये विटामिन इसमें कौन है, B3 होती है, विटामिन B3 पाई जाती है। FAD में विटामिन B5 होती है, विटामिन B5 होती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। और उसके अंदर एक CO2 मालिकूल, देखिए एक पायरोक एसिड से एक CO2 मालिकूल यहाँ रिमूव हो रही है, डीकार्बोक्सिलाइज हो रही है, और एक मालिकूल यहाँ एक NADH+ बनता है। तो कहने का मतलब एक पायरोक एसिड से, और अगर एक ग्लूकोज से होता तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 NADH+ बनता है, लेकिन यहाँ पर एक ही केवल ये बताया गया। इसके बाद अगली वीडियो में आपको फिर हम क्रिप्स साइकिल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।